नमस्कार, दैनिक भास्कर के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा। आज भादो मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 23 अगस्त सोमवार का दिन है। देश और दुनिया की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं उन खबरों की जो रही सुर्खियों में। तालिबान अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। सिर्फ यही जगह उसके कब्जे में नहीं है, तालिबानी लड़ाके इस बार भारी हथियारों के साथ पहुंचे हैं और उनकी संख्या भी ज्यादा है। इससे सटे बगलान प्रांत के अंदराब जिले में बीती रात तालिबान ने हमला किया था। यहां कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इस बीच तालिबान जल्द सरकार बनाने की घोषणा कर सकता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की आखिरी इच्छा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूरी कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नड्डा ने कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर पार्टी का झंडा रखा। कल्याण सिंह की ये आखिरी इच्छा थी। उन्होंने एक सभा में कहा था कि जब उनका जीवन समाप्त हो जाए तो उनके शव को बीजेपी के झंडे में लपेट कर ले जाया जाए। भारत की शैली सिंह ने वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप इवेंट का सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। 17 साल की शैली सिर्फ 1 सेंटीमीटर के फासले से गोल्ड जीतने से चूक गयी। उन्होंने जूनियर लेवल पर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाकर 6.59 मीटर की छलांग के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। शैली भारत की स्टार लॉन्ग जम्पर रही अंजू बॉबी जॉर्ज की बेंगलुरु में मौजूद अकेडमी में ट्रेनिंग करती है। भारतीय वायुसेना का विमान काबुल से 168 लोगों को लेकर भारत पहुंचा है। इसमें 107 भारतीय हैं, जबकि बाकी अफगानी सिख और हिंदू हैं। इनमें वहां कुछ सांसद भी रहे। हिंडन एयरबेस पर उतरकर नरेंद्र सिंह खालसा ने रुंधे हुए गले से बताया कि हमने 20 साल में वहां जो कुछ भी बनाया सब खत्म हो गया। एक अफगानी महिला ने बताया कि तालिबान ने मेरा घर जला दिया था। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली अपने फेसबुक पेज पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का विवादित स्केच पोस्ट कर विवादों में घिर गए हैं। माली ने 1989 में पब्लिश जनतक पैगाम नाम की पंजाबी मैगजीन का कवर फोटो शेयर किया है। इसमें इंदिरा गांधी मानव खोपड़ियों के ढेर पर खड़ी है और उनके हाथ में बंदूक पर भी खोपड़ी लटक रही है। ये तो थी प्रमुख खबरें। अब फटाफट कुछ हेडलाइंस भी सुन लीजिए। काबुल से एयरलिफ्ट की गई अफगान महिला को प्लेन में लेबर पेन हुआ। यूएस एयरफोर्स ने जर्मनी में इमरजेंसी लैंडिंग कर डिलीवरी करवाई। बंटवारे पर शिवसेना का नया एंगल, संजय राउत बोले अगर गोडसे ने गांधी की जगह जिन्ना को मारा होता तो देश का बंटवारा नहीं होता। हरदीप सिंह पुरी बोले पड़ोसी देश में सिख और हिंदुओं से जैसा बर्ताव हो रहा उससे पता चलता है कि CAA लागू करना क्यों जरूरी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज किन इवेंट्स पर रहेगी हमारी नज़र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च करेंगी। इसके तहत अगले 4 साल में बेचे जाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स की लिस्ट तैयार होगी। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार समेत बिहार की सभी पार्टियों के नेता सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में नीरज चोपड़ा समेत सुरक्षा बलों से जुड़े सभी ओलंपियनों का सम्मान करेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि देश के कुछ प्रमुख शहरों में आज कैसा रहेगा मौसम। जयपुर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहेगा। भोपाल में अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहेगा। रायपुर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहेगा। रांची में अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहेगा, यहां बादल छाए रहेंगे। पटना में अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहेगा। लखनऊ में अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहेगा। शिमला में अधिकतम तापमान 20 डिग्री रहेगा। चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहेगा। दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहेगा। अहमदाबाद में अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहेगा। मुंबई में अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहेगा और यहां हल्के बादलों के साथ धीमी बारिश हो सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या हुआ। आज ही के दिन 1991 में दुनिया की पहली पब्लिक वेबसाइट लॉन्च की गई थी। इस वेबसाइट को टिम बर्नर्स-ली ने डिजाइन किया था। टिम CERN यानी कि यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। शुरुआत में इस वेब पेज को केवल CERN के वैज्ञानिक ही एक्सेस कर सकते थे। 23 अगस्त 1991 को इस वेब पेज पर आम लोगों को भी एक्सेस दिया गया। 1993 में CERN ने घोषणा की कि सभी के लिए इंटरनेट सर्विस फ्री रहेगी। इसके बाद इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ने लगा। आज वर्ल्ड वाइड वेब पर 100 करोड़ से भी ज्यादा वेब पेज हैं। अब वक्त है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाते जाते आपके लिए आज का विचार।
गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कहा है, खुश रहने वालों के आसपास सभी चीजें सही नहीं होती, लेकिन चीजों को देखने का उनका नजरिया जरूर सही होता है। आज के पॉडकास्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें।